गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जूनियर केजी में इंग्लिश सब्जेक्ट में आगे स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या किया एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। क्या क्या किया हमने? हमने नया एल फॉर लैम्प सीखा था और ए टू एल तक रिवाइज किया था। आज हम एम फॉर मैंगो सीखेंगे। ओके, चलिए तो एम फॉर मैंगो लिखते हैं। क्या होता है एम फॉर? एम फॉर मैंगो। मैं यहां मैंगो की पिक्चर भी बना रही हूं, इसलिए आपको आसानी रहे मैंगो को देखने में। ठीक है, क्या बना रही हूं मैं? मैंगो। डू यू लाइक मैंगो? यस, वी ऑल लाइक्स मैंगोस। ओके, वी ऑल लाइक्स मैंगोस। हम सबको क्या पसंद है? मैंगोस। क्या बनाया मैंने? मैंगो। क्या बनाया? ये है मैंगो। एम फॉर क्या होगा? मैंगो। चलिए तो मैं लिखती हूं यहां पे एम फॉर मैंगो। क्या लिखना है? एम फॉर मैंगो। एम कैसे लिखा जाता है? एम बहुत इजी है, देखिए मैं यहां पे लिखी बॉक्स में। पहले ये स्लेटिंग लाइन, फिर इस तरफ स्लेटिंग लाइन, देन स्लेटिंग लाइन, स्लेटिंग लाइन, फोर स्लेटिंग लाइन से बनता है एम। M for mango। अब M for mango में हमने ड्रॉ कर दिया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं पहले लाइन्स और बॉक्स बना देती हूँ और डॉट बना देती हूँ, फिर हम लिखेंगे M for mango। तब तक आप बोलिए चलिए मेरे साथ M for mango, 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 M for mango। ये बन गई हमारी लाइन्स। अब हम मैं इसमें डॉट बना देती हूँ, फिर हम लिखेंगे M for mango। क्या लिखेंगे? M for mango।
क्या बोलते हैं इसे, एम फॉर मैंगो। ये बन गए हमारी लाइंस। अब हम सब लिखेंगे एम फॉर मैंगो। चले लिखते हैं, हम zigzag करते थे ना वैसा ही है। चलिए, M for mango, 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 M for mango। क्या लिख रहे हैं हम, M for mango, 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 M for mango। ये हमारा M for mango खत्म हो गया। अब हम A to M तक फिर से एक बार रिवाइज करते हैं जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। ओके, देख लीजिए एम फॉर मैंगो मैंने कैसे लिखा है, वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है।
इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले बॉक्स, तो मैं लाइंस और बॉक्स बना देती हूँ, फिर हम ए टू एम तक लिखेंगे। ओके बच्चों, अच्छा चलो ये हो गई हमारी लाइंस। अब हम लिखेंगे ए टू एल तक, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए फॉर एप्पल, क्या आएगा, ए फॉर एप्पल, तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, ए फॉर एप्पल, चलिए तो लिखते हैं ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल के बाद क्या आएगा, बी फॉर बॉल, तो क्या लिखेंगे हम, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल के बाद सी फॉर कैप, तो क्या लिखेंगे हम, सी फॉर कैप, सी फॉर कैप के बाद क्या लिखेंगे, डी फॉर डॉग, क्या लिखेंगे हम, D for dog, उसके बाद क्या लिखेंगे, E for elephant, उसके बाद क्या आएगा, E for elephant, उसके बाद F for fish, तो क्या लिखेंगे, F for fish, F for fish के बाद G for gun, G for gun के बाद बोलिए H for house, H for house के बाद U for umbrella, U, sorry sorry, माय मिस्टेक, H फॉर हैंड के बाद आएगा I फॉर आइसक्रीम, एक फ्लो में चला गया उसकी वजह से गलती हो गई, H फॉर हाउस के बाद I फॉर आइसक्रीम, I फॉर आइसक्रीम के बाद J फॉर जॉकर, J फॉर जॉकर के बाद K for kite, तो क्या लिखेंगे हम, K for kite, K for kite के बाद क्या आएगा, L for lamb, तो क्या लिखेंगे हम, L for lamb, L for lamb के बाद M for mango, तो क्या लिखेंगे हम,
M for mango. यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट। अब फिर से हम एट से लिखेंगे, यहाँ तक अलग है ओके। अब हम फिर से यहाँ से ए से फिर से लिखेंगे ओके। तो क्या कहते हैं पहले, ए फॉर एप्पल, उसके बाद क्या आएगा, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल के बाद सी फॉर कैप, सी फॉर कैप के बाद डी फॉर डॉग, डी के डी फॉर डॉग के बाद ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट के बाद एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश के बाद जी फॉर गन, जी फॉर गन के बाद एच फॉर हाउस, एच फॉर हाउस के बाद आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम के बाद जे फॉर जग, जे फॉर जग के बाद के फॉर काइट, के फॉर काइट के बाद एल फॉर लैम, और उसके बाद एम फॉर मंकी। यहां जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख देती हूं, एम फॉर मंकी, एल फॉर लैम के बाद एम फॉर मंकी। चलिए सारा एक बार रिवाइज करते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैप, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गन, एच फॉर हाउस, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जॉकर, के फॉर काइट, एल फॉर लायन, एम फॉर मंकी। हमने ए टू एम तक अल्फाबेट्स किए हैं इसलिए हमने यहाँ पर एम तक ही लिखे हैं, और यहाँ फिर से ए से स्टार्ट इसलिए किया है कि दूसरी बार लिखा है इसलिए ओके। तो कोई ऐसा मत समझिएगा कि ए के एम के बाद ए से स्टार्ट किया, एम तक अल्फाबेट सिखाए हैं इसलिए एम तक। अब फिर से ए टू एम तक रिवाइज, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैप, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर जी फॉर गन, एच फॉर हाउस, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर चॉकर, के फॉर काइट, एल फॉर लायन एंड एम फॉर मंकी। तो हमने एम फॉर मंकी तक किया, आज तक हम इतना रखेंगे। आपका होमवर्क ए टू एम तक लिखना है, और आज हमने जो एम फॉर मैंगो सीखा वो भी लिखना है। तो पहले आप एम फॉर मैंगो लिखेंगे, उसके बाद ए टू